हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम अकियारा मिनी सेविंग मशीन का एक डेमो देखेंगे। इस बॉक्स में आपको एक इलेक्ट्रिक अडैप्टर आएगा जो आप अपने घर के किसी भी सॉकेट में लगा के ये मशीन ऑपरेट कर सकते हैं। एक फुट पैडल जो आप अपने पैरों से ये मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा नीडल दी गई है जिससे अगर सुई टूट जाती है मशीन की तो आप इसको रिप्लेस करवा सकते हैं। एक नीडल थ्रेडर जिसकी मदद से आप सुई में धागा पिरो सकते हैं। और 4 एक्स्ट्रा बॉबिन्स और एक ये क्यूट सी सेविंग मशीन। तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे इस मशीन के फंक्शंस, बटन्स और ये मशीन को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक राउंड बटन दिया गया है जिसको घुमाने से आपका नीडल ऊपर नीचे होता है। तो ये आपको मदद करता है, जब भी आपको यहाँ पे कपड़ा फिट करना है तो नीडल को ऊपर कर लीजिए और ये टेकअप लीवर जो है यहाँ पर पीछे, इसको ऊपर लेकर हम यहाँ पर कपड़ा लगा सकते हैं। और कपड़ा लगाने के बाद टेकअप लीवर को नीचे कर लीजिए। फिर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर बॉबिन लगाने की जगह दी गई है। यहाँ पर आप बड़े धागे जो होते हैं स्पिंडल्स, वो लगा सकते हैं। उपयोग ना होने के टाइम पर आप इसको बंद कर सकते हैं। और यहाँ पर एक होता है टेंशन कंट्रोलर जिसकी मदद से धागा की टाइटनेस आपके कपड़े पे बराबर आती है। फिर ये लीवर से आपको धागा पिरोना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे नीडल है और नीडल का ये लीवर है। एक यहाँ पर लाइट दी गई है, ये लाइट है यहाँ पर। और एक छोटी सीजर है जिसकी मदद से आप ये धागा यूज होने के बाद में कट कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पे 3 बटन दिए गए हैं। ये बटन है स्पीड कंट्रोल के लिए, हाई स्पीड एंड लो स्पीड। ये वाला बटन मशीन ऑन ऑफ करने के लिए। और ये बटन जो है इससे आप इसकी लाइट शुरू और बंद कर सकते हैं। ये आप देखिए यहाँ पे लाइट दी गई है। इधर फुट पैडल का कनेक्टर है और यहाँ पर पावर अडेप्टर है। तो इस तरीके से ये मशीन्स के सारे फंक्शंस आप पहले जान लें और फिर ये मशीन ऑपरेट करना शुरू कीजिए। मशीन ऑपरेट करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक या तो हम यहाँ का ऑन ऑफ बटन यूज करें या फिर हम फुट पैडल यूज करें। तो पहले हम देखेंगे ऑन ऑफ बटन कैसे यूज किया जाता है। ये बटन दबा के रखेंगे तो सिलाई आपकी कंटिन्यूस चलती रहेगी। जैसे मैंने यहाँ पे बटन छोड़ दिया तो भी चलती रहेगी, पर अगर मुझे स्टॉप करना है मशीन तो मुझे ये बटन दोबारा से दबाना होगा और आपकी मशीन बंद हो जाएगी। अब हम देखेंगे ये फुट पैडल की मदद से हम सिलाई कैसे करें। फुट पैडल का प्लग आपको यहाँ पर इसके बगल में यहाँ पे फिट करना है और जस्ट आपको ये प्रेस करना है। तो आप देखेंगे कि सिलाई यहाँ पे बहुत बेहतरीन हुई है, ऊपर की साइड और नीचे की साइड भी। सिलाई पूरी हो जाने पर ध्यान रखें कि बिना कपड़े के आपकी सुई या आपकी मशीन शुरू ना रह जाए। ये होने पर आप लीवर को ऊपर कर लीजिए और यहाँ से धागा लूज कर कपड़े को बाहर खींच लीजिए और इसे सीजर की मदद से धागे को कट कर लीजिए। अब हम देखेंगे हम दूसरे कपड़े पर, एक सिल्क के कपड़े पर कैसे सिलाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर सिल्क पे भी होती है, जीन्स पे भी होती है। फिर लीवर नीचे रख दीजिए और मशीन दोबारा से शुरू कर। अगर कपड़ा डार्क हो या आप अंधेरे में काम कर रहे हो तो आप यहाँ पर दिए गए बटन का, एक लाइट का उपयोग भी कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइट शुरू हो जाती है। और यहाँ पे स्पीड कंट्रोल बटन है, हाई और फास्ट के लिए, स्लो के लिए। ये हो गया आपका स्लो स्पीड और ये हो जाएगा फास्ट स्पीड। तो जैसे हमने पहले किया, लीवर को ऊपर कर लीजिए, धागे को यहां से लूज कर लीजिए और कपड़े को बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पर दिए गए कटर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं धागे कट करने के लिए। इस तरह से आप अपनी सिलाई पूरी कर सकते हैं।
इस मशीन में आप बॉबिन में धागा भरना काफ़ी आसान है आपको, पर यह बात का ध्यान रखना होगा कि जब आप बॉबिन में धागा भरें तो सुई में से धागा पहले ही निकाल लें, धागे की रील को यहाँ पर लगाना है और इसे यहाँ पर आप 2 से 3 बार घुमा दीजिए, आप ये पावर ऑन कर दीजिए। तो आइए देखिए ये धागे को हम ये 8 चेक पॉइंट से कैसे पिरोए। फर्स्ट पॉइंट से ऑलरेडी बॉबिन से आपका धागा आता है और ये सेकेंड पॉइंट से जाता है, उसके बाद ये टेंशन जो कंट्रोलर है इसके बीच से धागा आपको लेना है, फोर्थ पॉइंट आपका इसी के बिल्कुल बाजू में है, धागे को थोड़ा खींच दीजिए, फिर फिफ्थ ये एक्सटेंशन में से जाएगा, अब ये ऊपर नीचे होगा इसलिए आपको थोड़ा धागा और यहाँ पर लूज करना है। सिक्स्थ पॉइंट सेवेंथ पॉइंट नीडल के बिल्कुल बाजू से होता है, अगर ये पॉइंट आपका मिस हो जाए तो धागा सीधा नहीं जाने के कारण आपकी सिलाई में तकलीफ हो सकती है, और एट्थ पॉइंट के लिए आपको नीडल थ्रेडर लगेगा, ये थ्रेडर में डालने के बाद आप धागे को इजीली यहाँ से सुई में पिरो सकते हैं। कई बार हम देखते हैं सिलाई आ तो रही है पर अच्छी नहीं आ रही है, कभी धागा नीचे की ओर से लूज होता है या कभी कपड़े के ऊपर की ओर से लूज होता है, तो इस सिचुएशन में हमें ये टेंशन कंट्रोलर को एडजस्ट करना है। अब टेंशन कंट्रोलर अगर आपका धागा कपड़े के नीचे की ओर से अगर लूज है तो आपको इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, और अगर आपका धागा ऊपर की ओर से लूज है तो आपको इसे क्लॉकवाइज घुमाना है, और अगर आपका सिलाई काफ़ी अच्छी आ रही है तो इसे हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसकी टेंशन के कंट्रोल की मदद से हम अपना धागे का टाइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं।